जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, तो मैं विराट चौधरी। दोस्तों, कई लोगों ने मेरे को ये बताया कि कोबरा कमांडो कैसे बनते हैं या एनर्जी कमांडो कैसे बनते हैं, सर एक इस पे वीडियो ज़रूर होना चाहिए। तो बिल्कुल, ये वीडियो आपको उसी के बारे में, क्या एसएससी जीडी वाले एनर्जी कमांडो बन सकते हैं, क्या एसएससी जीडी वाले कोबरा कमांडो बन सकते हैं और कौन कौन से कमांडो वो बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा का वीडियो आपको उसी के बारे में, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं आपको उसकी पूरी प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे होता है। तो पहले शुरुआत करते हैं कोबरा कमांडो से, फिर उसके बाद बताएंगे एनर्जी कमांडो, कोबरा या एसपीजी कमांडो उसके बारे में बता देंगे साथ में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोबरा कमांडो। तो आपको मैं बता दूं, कोबरा कमांडो सीआरपीएफ की स्पेशल फोर्स है, तो इसमें केवल वही जा सकते हैं जो सीआरपीएफ में जॉब करते हैं, जिन्होंने सीआरपीएफ फर्स्ट चॉइस दिया है, जिनका नंबर सीआरपीएफ में आ जाता है, तो वो कोबरा कमांडो बन सकते हैं। अब कैसे बन सकते हैं, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन, उसके लिए अलग कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आप जैसे ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग सेंटरों में अधिकतर ऐसा होता है कि कोबरा की टीमें आती है आपका टेस्ट करने के लिए, जिन जिनकी इच्छुकता होती है, जो जो कोबरा कमांडो बनने जाते हैं, वहाँ एक नॉर्मल टेस्ट होता है जो आपकी फिजिकल का बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट होता है, जैसा कि आपने एसएसजीडी का फिजिकल देखे गए वैसा ही नॉर्मल टेस्ट होता है। वो टेस्ट आपको फाइट करना है, उसके बाद में आपकी 90 दिन की ट्रेनिंग होती है, वो 90 दिन की ट्रेनिंग आपको फाइट करनी होती है, उस ट्रेनिंग में पास होना पड़ता है। तो उसके बाद में अगर आप उसमें पास हो गए और 90 दिन की ट्रेनिंग फाइट कर ली, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई नहीं कर पाएगा, बिल्कुल जिसका फिजिकल फिट हो जाएगा आपका ट्रेनिंग में, तो आप में से कोई भी कर पाएगा, जिसकी इच्छा होगी वो बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन है कि एनएसजी कमांडो में क्या एसएससी जीडी वाले जा सकते हैं। तो दोस्तों, एनएसजी कमांडो, इसमें एसएससी जीडी वाले जो बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इन सभी अर्धसैनिक बलों से जा सकते हैं, और इसमें आर्मी के जवान भी होते हैं, इसके इंस्ट्रक्टर अधिकतर आर्मी से ही होते हैं। तो एनएसजी में भी आप, मतलब जो एसएससी जीडी का है उसको बनना, तो उसके लिए एक क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों। उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एनएसजी कमांडो बनने के लिए, तो उसके लिए कम से कम आपके 5 साल सर्विस होनी चाहिए सर्विस बटालियन में, मतलब जिस दिन आप ज्वाइन करोगे ट्रेनिंग करने के बाद में आपको कम से कम 5 साल जिस यूनिट में आपकी पोस्टिंग होगी उस यूनिट में नौकरी या जहाँ पे भी होगी, मतलब 5 साल सर्विस, उसके बाद में आप एनएसजी में जा सकते हो। उसके लिए आपको फिजिकल पूरा फिट होना पड़ता है, उसके लिए टेस्ट भी होते हैं, तो वो टेस्ट भी आपको फाइट करना होता है, उसके बाद में आपको उसकी भी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग के बाद में आप एनएसजी भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ एसपीजी का भी कुछ ऐसा ही है, वो एनएसजी के जवान भी एसपीजी में कुछ जाते हैं। अब बात रही, कुछ लोगों ने मेरे को सैलरी के बारे में पूछा कि सर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सैलरी होती है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सैलरी नहीं होती, ट्रेनिंग तक आपकी सबकी सेम सैलरी होती है, उस ट्रेनिंग के बाद जब ट्रेनिंग हो जाएगी उसके बाद में आपकी सैलरी चेंज हो जाएगी आपकी पोस्टिंग के अनुसार। जैसे कश्मीर में अलग मिलती है, यहाँ पर अलग मिलती है, सब जगह की अलग अलग, स्टेट वाइज जो हार्ड ड्यूटी होती है वहाँ पर ज़्यादा पैसा मिलता है, और जहाँ पर नॉर्मल ड्यूटी है वहाँ पर कुछ कम पैसा मिलता है। तो ये, और कोई डाउट हो आपको इसके बारे में, और कौन से कमांडो बन सकते हैं, या आपकी कौन सी इच्छा है उस कमांडो के लिए, क्या आप बन सकते हो नहीं बन सकते, या ट्रेनिंग, एक मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत जल्दी दोस्तों, एक दो दिन में वीडियो बनाऊंगा कि ट्रेनिंग, टोटल ट्रेनिंग का क्या क्या होता है, कि ट्रेनिंग में एसएसजीडी की पूरी ट्रेनिंग में आपका क्या क्या होगा उसके बारे में। ओके, जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।